टॉपिक क्या पढ़ेंगे आज? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। एक बात समझो, मैं पढ़ना क्या विभव, तो विभव को हम कहां से लाते हैं? इन्फाइनाइट से। कहां से फाइंड करना होता है? इन्फाइनाइट से। क्योंकि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा विभव का, V बराबर W अपॉन क्या क्यू है, यानी मुझे कोई भी यूनिट चार्ज को कहां से लाना होता है? इन्फाइनाइट से। तो हम जब इन्फाइनाइट से ला रहे हैं, देखो इन्फाइनाइट से लाया हमने क्यू नॉट चार्ज, तो जब इन्फाइनाइट के अंदर लाएंगे तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करना पड़ता है। क्या जनरेट करना पड़ा? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स यानी बाह्य वैद्युत बल लग रहा, क्योंकि कोई वस्तु आना तो चाहेगी नहीं, जबरदस्ती आना चाहेगी, तो यहाँ से ला रहे। तो हम पहले पॉइंट ए से यहाँ तक की दूरी आर मान ली, फिर हम कह रहे हैं इन्फाइनाइट से लाना, एक सूक्ष्म दूरी में क्या मान ली? डी एस। यानी जो भी कार्य करेंगे हम किसके लिए करेंगे? सूक्ष्म दूरी। तो वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू पढ़ा, तो हमने डब्ल्यू बराबर, तो पहले आप समझ ही दीजिए, तो पहले हम क्या निकालेंगे? फोर्स। क्या निकालेंगे? फोर्स यानी बल। तो कूलाम के नियम अनुसार क्या होता है? एफ बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन क्या होगा? एक्स स्क्वायर। क्योंकि यहां से यहां तक के डिस्टेंस क्या है हमारी? एक्स। फिर हमें निकालना क्या? वर्ग। तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा बेटा? एफ इन टू माइनस। आपका तो सर माइनस क्यों लगा? तो वर्ड ही क्लियर हो रहा है, क्योंकि फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा? बल। बल लग रहा है ना, बाय बल लग रहा है। बाय बल का मतलब कोई बस अंदर की ओर आना चाह रहे पर वो आ नहीं पा रहे। एफ का मान कितना बेटा? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट की क्यू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इनटू माइनस तक। तो हम क्या करते हैं? क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये बात है। इससे पहले हम लोगों ने बता रखा कि कभी पूरी संपूर्ण यानी होल सरफेस का निकालना हो तो किसका हम इंटीग्रेशन करते हैं? क्या कराते हैं? इंटीग्रेशन। क्या कर लेते हैं? इंटीग्रेशन। तो आप लोगों को आपको पता होगा इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है बेटा? होता है एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, ओके। तो देखो माइनस क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, इस बात को हम ले जाएंगे ऊपर x पावर माइनस टू डी एक्स। अब ये वाला हम फार्मूला यहाँ मेंशन कर, तो माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ क्या हो जाएगा? x पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस। अब इसको सब्ट्रैक्ट कराओगे तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस क्यू क्यू नॉट बटे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात और याद रखें, हम लोगों ने जब यहां से स्टार्ट किया तब तो कॉन्टिन्यूस एंट्री करेंगे, क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूस इनफाइनाइट टू। अब कहो सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम लाते कहां से? इनफाइनाइट से। कहां से फाइंड करते? इनफाइनाइट से। कहां से फाइंड करते? इनफाइनाइट से। तो इनफाइनाइट। अब ये होता क्या? नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। तो माइनस एक्स, एक्स पावर क्या बचा? माइनस का वन इनफाइनाइट से। तो देखो क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसको वन अपॉन एक्स लिख सकते, यहां क्या लिखते हैं? इनफाइनाइट से। तो बेटा क्या होगा? क्यू क्यू नॉट अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के, पहले क्या लिखोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर। तो W इक्वल क्या आ गया बेटा? वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन, ये किसकी वैल्यू आई हमारी? W। निकालना क्या था हमें? वोल्टेज। क्या फाइंड करना था? वोल्टेज। तो V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू नॉट, रख दीजिए वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्या हो गया? क्यू। ये क्यू नॉट क्या हो गया? टेंसिल। तो V इक्वल आ गया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर। क्या बेटा? बोल। तो याद रखिएगा इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने कहां से स्टार्ट किया था? इनफाइनाइट से स्टार्ट किया था, इसलिए लिमिट क्यों लेंगे? इनफाइनाइट टू आर लेंगे, ओके। तो ये प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना? तो अब हम लोग इसके बाद एक और भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, कौन सी? ओके स्टार्ट। एक टॉपिक हम लोग और ही पढ़ेंगे क्या,
इसको बता रहे हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही प्यारा सा।